नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुव धनखड़ XSBIP हूँ। आपके लिए आज फिर से एक इम्पॉर्टेंट ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज का सेशन लेकर आया हूँ। जैसे कि आपको पता है, यूनियन बैंक ने क्लेरिकल के अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑलरेडी कंप्लीट कर दी है। अब समय है इंडक्शन ट्रेनिंग का। लगभग सारी जो आपकी डीवी है कंप्लीट हो चुके, हो सकता है कुछ जगहों पे डीवी अभी भी बाकी हो। अब आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आने वाले आपके फ्यूचर के लिए। जैसे ही आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होती है, सारी प्रोसीजर ये कंप्लीट होती है, उसके बाद आपका स्टार्ट होता है मैंडेटरी इंडक्शन ट्रेनिंग। और उसी के रिगार्डिंग आज मैं आपके लिए सेशन रहा हूं। जो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, वो इंडक्शन ट्रेनिंग का एक मेल है जो हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने हमारे साथ शेयर किया है। जो सब्सक्राइबर हैं वो ऑलरेडी यूनियन बैंक क्लर्क में इस बार की सिलेक्टेड कैंडिडेट है, और उनको, जैसे कि आप डेट में देख सकते हैं, 1 जून को यूनियन बैंक की तरफ से मैंडेटरी इंडक्शन ट्रेनिंग की सारी बातें बताते हुए कि कब रिपोर्ट करना है, क्या क्या चीजें लानी है, क्या एड्रेस क्या रहेगा, क्या ड्यूरेशन क्या रहेगी ट्रेनिंग की, सारी बातें यहां पर बता रही है। तो वही मेल आज हम पढ़ेंगे, फिर हम इंडक्शन ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे कि कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें इसमें रहती है, किन चीजों का ध्यान रखना है, वो छोटी मोटी जो इनसाइट्स जो रहती है इंडक्शन ट्रेनिंग की, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो आज अगर आप पहली बार वीडियो हमारा देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मेल से ही स्टार्ट करते हैं जो हमारे साथ हमारे सब्सक्राइबर ने शेयर किया है। देखिए क्या लिखा गया है। डियर कैंडिडेट, दिस हैज फर्दर रेफरेंस टू प्रोविजनल ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर डेटेड 30 अप्रैल 2019। यू हैव नाउ बीन नॉमिनेटेड फॉर द इंडक्शन ट्रेनिंग फॉर द पोस्ट ऑफ SWO, मतलब सिंगल विंडो ऑपरेटर। ए हार्ड कॉपी ऑफ ट्रेनिंग नॉमिनेशन लेटर हैज बीन सेंड टू यू एट योर करस्पॉन्डेंस एड्रेस एज मेंशन्ड इन योर एप्लीकेशन मेड टू IBPS। द ट्रेनिंग विल बी ऑफ 2 वीक्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 हफ्ते की ट्रेनिंग है, कमेंसिंग फ्रॉम 10th जून टू 21st जून, बोथ डेज इंक्लूसिव। मतलब 10 तारीख से लेके 21 तारीख तक की 2 हफ्ते की ट्रेनिंग है, जिसमें 10 और 21 दोनों दिन को इंक्लूड किया गया है। विल कमेंस एट 9 AM ऑन 10 जून 2019, और टाइमिंग भी बताई है कि सुबह 9 बजे इंडक्शन ट्रेनिंग आपकी शुरू हो जाएगी। ठीक है, इट विल बी अ रेसिडेंशियल प्रोग्राम। मतलब जब ट्रेनिंग होगी तो वहीं पर आपके रहने का, लॉजिंग का, खाने का, पीने की भी व्यवस्था वहीं पर की जाएगी। जहां पर आपकी इंडक्शन ट्रेनिंग का रहेगा, वहीं पे पास में आपके रुकवाने की, रहने की सारी जो जो बेसिक फॉर्मेलिटीज है, वो सारा बैंक ही टेक केयर करेगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। यू विल बी रिक्वायर्ड टू स्टे एट द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। जहां पर भी आपकी ट्रेनिंग हो वहां पर ही आपको, एज द लॉजिंग एंड बोर्डिंग अरेंजमेंट्स विल बी मेड एट द ट्रेनिंग सेंटर ओनली। ठीक है, अब आगे पढ़िए। दिस फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फ्रॉम 9th जून टू 22nd जून। ठीक है, प्लीज देयर फॉर कम प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। मतलब आपकी 2 वीक्स का है, वहीं पर आपको रहना है, वहीं पर खाना पीना आपका सारा वहीं पर अवेलेबल होगा जहां पर आपका ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही अपना सामान लाइए, जो जो आपकी डेली जो रिक्वायरमेंट्स रहती है चीजों की, वो सारी आप लाएंगे। और सारी जो अरेंजमेंट है वो आपके बैंक ने, जैसे कि जो हमारे पास जो मेल शेयर किया गया है हमारे यूजर द्वारा, वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया फॉर क्लेरिकल पोस्ट के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इन केस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां से लेके यहां तक वाला, इन केस यू फेल टू रिपोर्ट फॉर द ट्रेनिंग ऑन 10th जून 2019 इन टाइम, टाइम मतलब 9 बजे तक, द प्रोविजनल ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इश्यूड विल ऑटोमेटिकली स्टैंड कैंसल्ड इन टर्म्स ऑफ इट क्लॉज नंबर 17 ऑफ प्रोविजनल ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। यू आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट द फॉलोइंग एड्रेस फॉर द ट्रेनिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि अगर जो आपको रिपोर्टिंग टाइम जो बताया गया है इंडक्शन के लिए, अगर उस समय आप नहीं पहुंचते हैं, तो जो आपको ऑफर लेटर ऑलरेडी, आपके हार्ड कॉपी भी होगी, आपके पास सॉफ्ट कॉपी भी है, दोनों ही चीजें हैं आपके पास ऑलरेडी, उसमें अगर आप क्लॉज नंबर 17 देखें, उसमें क्लियरली मेंशन है कि अगर इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए आप जो रिपोर्टिंग टाइम है उस टाइम रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो आपका अपॉइंटमेंट
कैंसल कर दिया जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो टाइम दिया जाए, जो डेट दिया जाए, उसकी तरफ आप डिलीजेंट रहिए। मैं तो आपको एडवाइस करूंगा, क्योंकि इन्होंने लॉजिंग फैसिलिटी, रुकने उकने की सारी जो व्यवस्था है वो 9 तारीख से ही कर दी है। 10 तारीख को तो आपको सुबह रिपोर्ट करना है, 9 तारीख से ही ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और 22 तारीख तक कर रहे हैं, मतलब 21 को आपकी ट्रेनिंग खत्म हो रही है, 22 तक आपके रुकने का है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ आपको उसी दिन आने की जरूरत है, 10 तारीख को, 9 को ही आप आ जाएं, आके अपने पूरा सेटल हों, बातचीत करें, बाकी अपने कलीग से सारी चीजें करें, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हमारे साथ जिन्होंने शेयर किया है, उनका जो ट्रेनिंग सेंटर है वो गुड़गांव का ट्रेनिंग सेंटर है, उसका एड्रेस वगैरह, फोन नंबर, जो भी आपकी क्वेरीज है उसके लिए दे रखा है, कि अगर आपके कोई क्वेरी हो, जगह नहीं मिल रही हो, क्या क्या करना है, या डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, या क्या क्या चीजें लानी है, सारी चीजें, जो भी किसी में भी डाउट हो, तो आप इन नंबर पर कॉल करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। अब द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर टू बी ब्रॉट टू यू वाइल रिपोर्टिंग फॉर ट्रेनिंग, द ट्रेनिंग नॉमिनेशन लेटर इन ओरिजिनल विद अ फोटोकॉपी। इन केस यू हैवंट रिसीव्ड द लेटर बाय पोस्ट, यू मे ब्रिंग आउट ऑफ दिस मेल विच शुड क्लियरली मेंशन आवर ईमेल आईडी एज वेल एज योर्स। मतलब अगर हार्ड कॉपी टाइम तक आप तक नहीं पहुंचती है, बाय पोस्ट जो भेजते हैं वो टाइम पे नहीं पहुंचती, तो सॉफ्ट कॉपी का भी, जिसमें इनका जो मेल एड्रेस है क्लियरली मेंशन रहना चाहिए, दिखना चाहिए, उसके साथ आप सॉफ्ट कॉपी भी निकाल के ला सकते हैं। प्रोविजनल ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इशूड बाय द बैंक इन ओरिजिनल अलॉन्ग विद फोटो कॉपी। ओरिजिनल एड्रेस प्रूफ, अब एड्रेस प्रूफ में आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, वोटर आईडी, कुछ भी लेके जा सकते हैं अलोंग विद द फोटो कॉपी, ठीक है? 5 फोटोग्राफ्स चाहिए, ओरिजिनल फोटो आईडी चाहिए, चाहे पासपोर्ट, ड्राइविंग, पैन कार्ड, आधार, कुछ भी चल जाएगा अलोंग विद द फोटो कॉपी, ठीक है? नीचे देखते हैं, इफ यू आर प्रेजेंटली इन सर्विस एंड हैव नॉट सबमिटेड द अनकंडीशनल रिलीविंग लेटर इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ योर प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर यू विल नॉट बी अलाउड टू अटेंड दिस ट्रेनिंग विदाउट सबमिशन ऑफ द अनकंडीशनल रिलीविंग लेटर फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय प्रायर टू कमेंसमेंट। मतलब यही बोल रहे हैं कि जो जॉब छोड़ते टाइम जो आपको रिलीविंग लेटर दिया जाता है, अगर आपको नहीं, अभी तक आपको इशू किया गया, अभी तक आपके पास नहीं है, तो आप ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं कर सकते। तो इस बारे में आप क्लियर कर लीजिएगा, अभी नहीं लिया है तो जल्दी से ले लीजिएगा, और इसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स अगर आप फेस कर रहे हैं तो जो नंबर दिए हैं उस पर आप डिस्कस कर सकते हैं ये प्रॉब्लम, ठीक है? एनी अदर डॉक्यूमेंट्स अपॉइंट दैट वाज नॉट सबमिटेड, ठीक है ये, प्लीज नोट दैट द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग विल बी ट्रीटेड एज द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ सर्विस, द पर्पस ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ इंटर सीनियरिटीज एज मेंशन। मतलब ट्रेनिंग जब से शुरुआत होगी उसी से आपकी सर्विस डेट भी स्टार्ट हो जाएगी, जिससे कि क्योंकि जितने आप टाइम तक सर्विस करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपके प्रमोशंस होती है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी सीनियरिटी डिसाइड की जाती है, जो आप आगे जाके आपको खुद को पता है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो ट्रेनिंग वाला पेड मत मिस करिएगा, गलती से भी मत छोड़िएगा, ठीक है? प्लीज नोट दैट नो लीव विल बी परमिटेड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, प्लीज इंश्योर दैट द फॉर्मल ड्रेस कोड इज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग ऑल ट्रेनिंग सेशंस। अब किसी भी प्रकार की, 2 हफ्ते की ही तो बात है, 14 डेज, 14 डेज की बात है, 14 दिनों तक आपको बीच में कोई भी छुट्टी नहीं दी जाएगी, प्लस जो भी आप क्लासेस अटेंड करेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग में अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे, थोड़ा सुपरफिशियल बातें करेंगे, डिटेल में नहीं करेंगे, क्योंकि डिटेल में बात करने की इतनी जरूरत भी नहीं है उसके लिए। फॉर्मल ड्रेस कोड रहना चाहिए, फॉर्मल्स में जैसे कि आप मानिए, जैसे कि आप जॉब पे जा रहे हैं, बैंक के अपना जॉब करने जा रहे हैं, उसी तरीके से आपको ड्रेस करना है, फॉर्मल ड्रेस कोड रखना है जब भी आप कोई भी सेशन अटेंड करें ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, ठीक? द प्लेस ऑफ पोस्टिंग विल बी इन्फॉर्म टू यू ऑन द कंप्लीशन ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग, इन केस यू डू नॉट रिसीव हार्ड कॉपी ट्रेनिंग लेटर सेंट यू मे हैव टू रिपोर्ट एट दैट सबमिशन विद द प्रिंट आउट शोइंग। ये वही बात वापस बोले, रिक्रूटमेंट डिवीजन, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब चलिए, ये सारी बात तो होगी मेल केस में, हमने सारी बातें कर ली। अब एक बार आप पहुंच के तो क्या रहेगा, ट्रेनिंग का क्या एनवायरमेंट क्या रहता है, कितना सीरियस लेना है, तो मैं आपके खुद ने खुद के एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि इंडक्शन ट्रेनिंग बेसिक ट्रेनिंग रहती है। आपको बैंकिंग के बेसिक लॉज बताए जाते हैं, डिफरेंट आपके क्लासेस होती हैं, जैसे कि आपकी नॉर्मल क्लासेस रहती थी कॉलेज में, स्कूल्स में, उसी प्रकार इसके लिए भी आपके नॉर्मल होते हैं। अब आगे भी आपके बहुत सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं जो ज़्यादा टेक्निकल रहते हैं, ज़्यादा सीरियस रहते हैं, जिनको ध्यान से करना ज़्यादा ज़रूरी है, पर ये जो इंडक्शन ट्रेनिंग है वो इतनी सीरियसली आपको लेने की ज़रूरत नहीं। इसका बस पर्पस ये है कि आपको
रूबरू करवाया जाए, एक हल्का सा आपको इंट्रोडक्शन दिया जा सके बैंकिंग की दुनिया के बारे में। तो ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ये इंडक्शन ट्रेनिंग 14 दिनों में कुछ बैंकिंग के बारे में कुछ सिग्निफिकेंट सीख नहीं पाएंगे। जितनी भी आप लर्निंग करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, वो ज्वाइनिंग के बाद ब्रांच में ही सीखेंगे, और ब्रांच के बाद फिर जो आपके मेन ट्रेनिंग्स जो बाद में, क्योंकि ट्रेनिंग्स होती रहती है, वहां पर आप क्योंकि थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिकली देख लेते हैं, तो बाद में जो चीजें सिखाई जाती है उसको इंप्लीमेंट करना, खुद से चीजें देखना ज्यादा इजियर हो जाता है। तो बाद की जो ट्रेनिंग्स रहेगी एक बार ज्वाइनिंग के बाद, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडक्शन तो कुछ नहीं, इंट्रोडक्शन है एक तरह से, आपके जॉब के रिगार्डिंग क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, वो बेसिक लॉज भी बताएंगे, बैंकिंग सेक्टर की अलग अलग चीजें बताएंगे कि आपका जो जॉब रहेगा वो क्या इंटेल करेगा, कैसे करना है, क्या। जितना ध्यान से सुनना चाहें सुन सकते हैं, बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि यही बातें जब आप ज्वाइन करेंगे तब आपको प्रैक्टिकली बताई जाएगी, तब आप बेटर अंडरस्टैंडिंग वहां पर कर सके। अब क्योंकि लॉजिंग की, रहने की, खाने की, पीने की वहीं पे फैसिलिटीज है, वहीं पर आपको रूम्स प्रोवाइड किया जाएंगे, रूम्स में आपके साथ का आपके रूम पार्टनर्स रूममेट्स रहेंगे, और ये जितने भी लोग हैं, ये बेसिक जो इंडक्शन है उसको एक फन एक्सरसाइज की तरह लीजिए। ऐसा समझिए कि आप अपने कलीग्स के साथ आउटिंग के लिए जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंडशिप करिए, दोस्त बनाइए, एंजॉय करिए अपना ये टाइम, क्योंकि 14 डेज का ये टाइम है, काफी लाइट टाइम रहेगा। बाद एक बार ज्वाइन करने के बाद जो एज ए क्लर्क आप जैसे ज्वाइन करेंगे या जो एज ए पीओ ज्वाइन करेंगे, वो हेक्टिक शेड्यूल स्टार्ट हो जाता है। तो इन 14 दिनों को अच्छे से एंजॉय कीजिए, खाइए पिए, मस्त रहिए, क्लासेस अटेंड कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्त बनाइए, क्योंकि अगर आप बैंकिंग फील्ड में अपना फ्यूचर देखते हैं तो यही लोग आपसे एंड तक जुड़े रहेंगे, इन सबसे आपकी एंड तक दोस्ती रहेगी, आप इनसे आगे भी बहुत जगहों पर मिलने वाले हैं। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्ती बनाइए, फ्रेंडशिप बनाइए, कमराडरी बनाइए, एक कम्युनिटी बनाइए, क्योंकि ये आपकी कम्युनिटी फ्यूचर में रहने वाली है, अगर आप इसी जॉब में रहना चाहते हैं, इसी फील्ड में रहना चाहते हैं। तो एंजॉय कीजिए अपना टाइम, ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। अब रही बात सैलरी की, तो सैलरी की ट्रेनिंग के दौरान आपकी जो स्टैंडर्ड सैलरी है, जो आपका ज्वाइनिंग के टाइम आपको सारी बता दिया जाएगा, वैसे जो आपका ऑफर लेटर है उसके अंदर भी मेंशन किया होगा कि क्या आपको बेसिक क्या पे किया जाएगा, तो ऐसी कुछ बात नहीं है। और जो आपका ड्यूरेशन है सर्विस का, वो ट्रेनिंग के साथ ही शुरू हो जाता है, ज्वाइनिंग वाला नहीं, ट्रेनिंग के साथ ही शुरू हो जाता है, तो वहीं से आपकी काउंटिंग फॉर सीनियोरिटी इन केसेस ऑफ प्रमोशंस वो काउंट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो रिलैक्स कीजिएगा, आराम से चिल होके क्लासेस कीजिएगा, क्लासेस भी बहुत ज्यादा लेट तक नहीं चलती है, नॉर्मल जो आपके कॉलेज के टाइम जो क्लासेस का ड्यूरेशन जो 5-6 घंटों का जो रहता था वही रहता है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रहता है, और रहने का खाने का पीने का सब वही फैसिलिटी होती है, और ट्रेनिंग सेंटर्स इनके बहुत अच्छे होते हैं, एकदम हाईटेक ट्रेनिंग सेंटर्स रहते हैं, रहने की फैसिलिटीज भी डिसेंट रहती है, खाना पीना सब अच्छा रहता है। तो अच्छे से 14 दिनों को एंजॉय कीजिए, 14 दिन खत्म होते ही आपको ब्रांच अलॉट कर दी जाएगी कि कहाँ आपको करनी है, और वहां से मेन, वहां से एक्चुअल आपका जो करियर है वो वहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आई होप जिन सब्सक्राइब ने हमारे साथ शेयर किया था उनकी काफी बातें क्लियर हो चुकी है, उन्होंने सैलरी के रिगार्डिंग भी पूछा, सैलरी के रिगार्डिंग आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, जो स्टैंडर्ड जो क्लर्क की सैलरी रहती है फॉर पीएसयू वही आपको सैलरी मिलेगी, और वो ट्रेनिंग से ही स्टार्ट हो जाती है अलॉन्ग विद द अलाउंसेज, ऐसे नहीं अलाउंसेज नहीं मिलता, ट्रेनिंग जो आपका पीरियड रहता है उसमें आपको सैलरी भी मिलती है, आपको अलाउंसेज मिलती है, सारी चीजें मिलती है। ठीक है, तो उसकी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, और जो आपका इंडक्शन प्रोग्राम है उसके रिगार्डिंग तो बिल्कुल टेंशन मत, एकदम लाइट प्रोग्राम रहता है, आपको चिल करना है, ज्यादा ज्यादा इंटरेक्शन करने की कोशिश कीजिएगा, ज्यादा ज्यादा दोस्त बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यही कलीग्स आपके साथ लाइफ टाइम जुड़ने वाले हैं। ठीक है, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव अ ग्रेट डे।